बी वेल्दी के पिछले चार एपिसोड्स में हमने बहुत ही आसान तरीकों से आपको समझाने की कोशिश की है टैक्स बचत और टैक्स बचत के लिए जो निवेश करते हैं ये सारे फंडे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो चारों क्लिप ज़रूर देखिए आप। आज हम बात करेंगे टैक्स बचत के निवेश के विकल्पों के बारे में। बहुत सारे विकल्प हैं, सब में कुछ खूबियाँ हैं कुछ खामियाँ हैं। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप किस विकल्प में निवेश करें, मैं उन खूबियों और खामियों की एक लिस्ट आपको पकड़ा दूँगी। आप तय करें कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपको क्या सबसे बेहतर लगता है इस वक्त आपकी ज़रूरत के हिसाब से। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो है शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई। नाम है प्रोडक्ट का इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड के अंदर आता है ये। और एक और इसके जैसा ही प्रोडक्ट है, उसका नाम है यूलिप, जिसको हम कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS की। शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है ये, रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। ध्यान रखें यहाँ पर आप जो भी पैसा लगाते हैं वो 3 साल के लिए बन जाता है, मतलब यहाँ 3 साल का लॉक इन है, 3 साल के पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अभी क्योंकि जनवरी है, आप चाहते हैं कि बस लमसम जो भी पैसा है कहीं निवेश कर दिया जाए और टैक्स बचा लिया जाए। इस विकल्प में निवेश करने के लिए मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप पूरे रकम को 3 हिस्सों में बांट लें, क्योंकि शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ ये विकल्प है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप जनवरी में थोड़े ऊँचे लेवल पर आप निवेश कर रहे हैं, अगले महीने थोड़े नीचे लेवल पर, तो 3 महीने में अगर बांट देंगे तो वो एवरेज आउट हो जाएगा आपके लिए, बेहतर होगा। 3 से 5 साल देख लीजिए किसी भी फंड में, कोई भी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे। तो आप प्लीज़ किसी भी फंड का परफॉर्मेंस कम से कम 3 या 5 साल के लिए ज़रूर चेक कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आपको इस तरह के फंड में 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। डिविडेंड री इन्वेस्ट मत लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपका डिविडेंड मिलेगा और वापस से आपके फ़ंड में जुड़ेगा, आप जो यूनिट मिलेगी वो 3 साल के लिए फिर से लॉक इन हो जाएगी। तो ये सलाह मैं नहीं दूंगी आपको कि आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लें। ELSS में कई तरह के फंड होते हैं, कुछ छोटे या बड़े। छोटे मतलब जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट छोटा होता है, कम होता है, बड़े मतलब जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा होता है। तो आप दोनों तरह के फंड्स के परफॉर्मेंस चेक कर लें। बड़ा फंड अगर उसकी परफॉर्मेंस 3 से 5 साल में अच्छी दिख रही है तो आप उस फंड की तरफ ध्यान कर सकते हैं, उसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। शेयर बाज़ार से जुड़ा एक और विकल्प है जिसमें आप निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं, वो है यूलिप। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक इंश्योरेंस का और एक निवेश का। आपको ध्यान देना है निवेश वाले पोर्शन पे। आपको कई तरह के फंड्स के ऑप्शन वहाँ पर दिए जाते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से कौन सा फ़ंड आपकी ज़रूरत को पूरी कर रहा है। यूलिप में निवेश का खर्च ज़्यादा होता है अगर आप उसे तुलना करें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से। पिछले कुछ सालों में कॉस्ट थोड़ा कम किया गया है, लेकिन अभी भी ये ज़्यादा है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लें कि अगर आप मान लीजिए कि 1,000-5,000 रुपये निवेश कर रहे हैं तो कितना पोर्शन उस 5,000 का उनकी फ़ी में चला जाएगा, मतलब उतना पैसा आपका निवेश नहीं हो रहा है वो सीधे कंपनी के पास जा रहा है। तो वो कॉस्ट को आप ज़रूर चेक कर लीजिए। कई दफ़ा ये भी होता है कि वो कॉस्ट तो कम कर देते हैं, दिखाते हैं कि कॉस्ट एकदम बराबर बराबर है, लेकिन जो आपको यूनिट मिलती है निवेश करने पर, उस यूनिट में मान लीजिए कि 20 यूनिट मिली है तो शायद आपको बोलेंगे कि 17 दी जाएगी, 3 यूनिट आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, वो कंपनी के पास चला जाता है खर्चे के लिए। तो वो भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि वो किस तरीके से आपसे फ़ी वसूल रहे हैं, पैसे डायरेक्ट कैश लेके आपके जो निवेश की रकम है उसका एक हिस्सा लेके, या फिर आपके टोटल यूनिट में से कुछ यूनिट निकाल कर। तो ये 2 ऑप्शन हैं जो शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, इनमें आप निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम 2 और ऐसे ही विकल्पों पर बात करेंगे। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीचे घंटी बनी हुई है ना उसको क्लिक कीजिए ताकि आपके पास हर नए एपिसोड के अलर्ट आते रहें। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम हैं अमीर बनने के सफ़र पर।